कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 20,346 नए मामले सामने आए। बुधवार के मामले आज रिपोर्ट किए गए। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। कल संक्रमण के 18,088 नए मामले सामने आए थे। वहीं संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ के पार हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,346 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,16,859 हो गई। वहीं इस दौरान 222 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई। इसके बाद मृतकों की संख्या 1,50,336 हो गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 1,16,859 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 19,587 मरीजों ने वायरस को मात दी है और इलाज के बाद ठीक होकर घर लौटे। वहीं देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार 2 लाख से नीचे बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 2,28,083 है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 96.19% हो गई। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.45% है। वहीं ICMR के अनुसार 6 जनवरी तक जांचे गए नमूनों की संख्या 17,84,995 है। इनमें से 9,37,590 नमूनों का सोमवार को परीक्षण किया गया था। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।